दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि एक YouTube चैनल में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना कितना ज्यादा कठिन है। और ऐसे में अगर आप अपने चैनल में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट कर लेते हो और आपके चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता है, और अगर उसके बाद आपके चैनल का मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाएगा तो आपको कैसा लगेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को यूट्यूबर की एक ऐसी गलती के बारे में बताने वाला हूँ जिसे अगर आप करते हो और आपके चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता है तो आपके चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा। और ऐसा एक बार मेरे साथ हो चुका है इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों अगर आपका YouTube चैनल मोनेटाइज हो जाता है और आपके एडसेंस अकाउंट में $10 कंप्लीट हो जाता है, और अगर आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं करते हो तो आपके चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, और ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है और आपके एडसेंस अकाउंट में $10 कंप्लीट हो जाता है तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके आपको अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लेना है।